फिरौन डूब गया, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर आगे बढ़े। आगे पहुँचे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोही तूर पर बुलाया और फरमाया, ऐ मूसा, हम तुम्हें अपनी किताब देंगे और कुछ अहकामात देंगे, तो उसके लिए तूर पहाड़ पर आना पड़ेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों तक तूर पहाड़ पर ही रहे। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो इकलौते नबी है जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है, किसी फरिश्ते का बीच में वास्ता नहीं था। जब भी बात की, डायरेक्ट बात की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, लन तरानी, यानी कि तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। इससे पता चला कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, कभी नहीं देख सकता, मगर ये पूरी तरह से गलत है। दुनिया की आँख से अल्लाह को कभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन आखिरत में लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का दीदार करेंगे। ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित। तो दुनिया की आंख से अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम इस पहाड़ को देखो, इस पहाड़ पर हम अपनी तजल्ली उतारते हैं। तुम इस पहाड़ को देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर बरकरार रह गया तो तुम मुझे देख लोगे। जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली उतारी तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब हजरत मूसा होश में आए तो फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, ऐसा मुतालबा कभी नहीं करूँगा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस लौटे तो देखा कि उनकी कौम ने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया है। उनकी कौम में सामरी नाम का एक आदमी था, उसने सोने को पिघलाकर सोने से एक बछड़ा तैयार किया और उस बछड़े में ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब हवा चलती थी तो उस बछड़े से आवाज आती थी। तो बनी इसराइल से उसने कहा कि यही तुम्हारा खुदा है, इसी से मिलने हजरत मूसा तूर पहाड़ पर गए हैं। बनी इसराइल उस बछड़े के आगे सजदा करने लगे। जब हजरत मूसा वापस लौटे तो देखा कि उनकी कौम बछड़े की इबादत में लग गई है। तो सबसे पहले अपने भाई हारून को पकड़ा, जिनको अपना जानशीन बनाकर गए थे। अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली और कहा, मैं तुम्हें अपना जानशीन बनाकर गया था, तुमने ये जानशीनी निभाई है, मेरी कौम बछड़े की इबादत में लग गई है। तो भाई हारून ने फरमाया कि ए भाई, मेरी दाढ़ी तो छोड़ो, पहले मेरी बात तो सुनो। ये लोग झगड़ा करने लगे थे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की, लेकिन बाद में समझ नहीं पाए और ज़्यादा समझाऊंगा तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। बस मैंने आपके आने का इंतज़ार किया और कुछ नहीं किया। हजरत मूसा ने सामरी से पूछा, ए सामरी, बोल तूने ये क्या किया? सामरी जवाब देता है कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैरों के नीचे से मिट्टी उठा ली और उस मिट्टी को मिलाकर मैंने सोने का बछड़ा तैयार किया ताकि लोग इसकी इबादत में लग जाए। तो हजरत मूसा ने सामरी से कहा, ए सामरी, सुन, आज के बाद तुझे अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिलती है कि जो भी तुझे छू लेगा वो बीमार पड़ जाएगा। तूने बछड़े को माबूद बनाकर मेरी कौम को शिर्क में डाला, तुझे ये सजा मिलती है कि तू अब जिंदगी भर अनटचेबल हो जाएगा, जो भी तुझे छू लेगा वो बीमार पड़ जाएगा। अब सामरी का हाल ये हो गया कि जो भी उसे छू लेता बीमार पड़ जाता, सामरी खुद भी बीमार हो जाता। तो जब भी सामरी किसी के पास से गुजरता तो लोग कहते, लामेसास लामेसास, यानी मुझको मत छुओ, मुझको मत छुओ। और इसके बाद हजरत मूसा ने कहा कि देख, ये जो तेरा सोने का माबूद है ना, उसका देख मैं क्या अंजाम करता हूँ। और उसको हजरत मूसा ने आग में पिघला करके पानी में फिकवा दिया। लोगों से कहा कि देखो, जिसको तुमने अपना माबूद बनाया था उसे हमने पानी में फेंक दिया।